मूवी शुरू होती है 1995 की बर्लिन जर्मनी से। उधर हम माइकल बर्ग नाम के एक आदमी को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देख पाते हैं। लास्ट नाइट वो एक औरत के साथ था, वो उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाता है। इधर हमें पता चलता है कि माइकल एक फेमस लॉयर है, उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक बेटी है जो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही है। कुछ देर बाद वो औरत चली जाती है। माइकल विंडो के पास जाता है, बाहर एक ट्रैम जा रही थी जिसे देखकर उसे अपनी कहानी याद आती है और इसके साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है। इन द ईयर 1958 माइकल तब स्कूल में पढ़ता था, देन ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। एक दिन स्कूल से घर वापस आते टाइम अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो ट्रैम से उतर के एक अपार्टमेंट के गेट के पास जाके उल्टी करने लगता है। तब एक ट्रैम कंडक्टर हैना आके उसकी मदद करती है, उसका वॉमिट भी साफ करती है, फिर उसे घर छोड़ के आती है। माइकल को स्कारलेट फीवर हुआ है इसलिए उसे अगले 3 महीने तक घर पे ही रहना होगा। जब वो ठीक हो जाता है तब वो अपनी मॉम से कहता है, जिस दिन मैं बीमार हुआ था उस दिन एक औरत मेरी मदद की थी, वो मुझे घर पे भी छोड़ने आई थी। उसकी मॉम हैना की एड्रेस मांगती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन माइकल खुद से ही फ्लावर्स लेके हैना के घर पहुंच जाता है। हैना उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, उसे काम पे जाना था इसलिए वो माइकल को बाहर वेट करने के लिए कहती है। साथ में ये भी कहती है कि काम पे जाते टाइम रास्ते पे वो माइकल से बात करेगी, लेकिन माइकल बाहर से हैना को देख रहा था जब वो कपड़े बदल रही थी। अनफॉर्चुनेटली माइकल पकड़ा जाता है, हैना उसे देख लेती है और उस दिन वो भाग जाता है। इसके बाद से वो उसे छुप छुप के देखता था पर जाके उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फाइनली एक दिन वो फिर से हैना से मिलने जाता है। हैना उसे नीचे से कोयला लाने बोलती है। जब वो कोयला लेके ऊपर आता है तब उसके कपड़े और फेस गंदे हो चुके थे। तब हैना कहती है, इस हाल में तुम घर नहीं जा सकते, आओ तुम्हें साफ कर दूँ। ये कह के वो उसे नहलाने लगती है, फिर खुद से ही अपने कपड़े उतार कर वो माइकल को हग करती है और कहती है, यही तो तुम चाहते थे, इसीलिए तो इतने दिन से मेरा पीछा कर रहे हो। माइकल कुछ जवाब नहीं दे पाता और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। घर वापस आने पर उसके डैड उससे पूछते हैं, तुम इतने देर तक कहाँ थे? वो कहता है, मैं खो गया था। तब उसकी बहन कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, अपने होम टाउन पे कोई नहीं खोता। पर उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है, वो कहती है, माइकल कभी झूठ नहीं बोलता। माइकल उसके डैड से रिक्वेस्ट करता है कि कल से ही उसे स्कूल जाना है। डॉक्टर ने मना किया है पर उसे लगता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसके डैड मान जाते हैं। वो हर रोज स्कूल बंक करके हैना से मिलने जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इतने दिनों के बाद वो एक दूसरे के नाम पूछते हैं और हमें यह भी पता चलता है कि हैना 35 ईयर्स की है और माइकल है सिर्फ 14 ईयर्स का। एक दिन हैना उसे लिटरेचर का बुक पढ़ के सुनाने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि आपसे माइकल पहले उसे बुक पढ़ के सुनाएगा, फिर वो दोनों इंटीमेट होंगे। माइकल मान जाता है और ठीक वैसा ही करता है। फिर एक दिन माइकल उसे घूमने जाने के लिए इंसिस्ट करता है। अपने स्टैम्प कलेक्शन में से कुछ स्टैम्प्स वो बेच देता है ताकि वो एक ट्रिप अरेंज कर पाए। हैना और वो साइकिल पे कंट्रीसाइड घूमने निकल पड़ते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे, माइकल उससे प्यार करने लगा था और शायद हैना भी उसके प्यार में थी। लंच करने वो एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ हैना मेनू कार्ड देखकर खुद ऑर्डर नहीं देती। वो कहती है, माइकल जो ऑर्डर देगा वही सेम चीज़ हैना भी खाएगी। इस सीन का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। उधर वेट्रेस को लगता है हैना माइकल की मॉम है। उसे गलत साबित करने के लिए माइकल उसके सामने हैना को किस करता है। फिर वो दोनों एक चर्च पे जाते हैं, उधर प्रेयर चल रहा था। वहाँ पे हैना बहुत इमोशनल हो जाती है। देन एक तालाब के पास वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। माइकल हैना के लिए एक पोएम लिख रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे सुना नहीं पाया था। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और माइकल के हाथ में वही पोएम है जो उसने हैना के लिए लिखा था। एक केस के सिलसिले में वो कोर्ट जाता है। कोर्ट रूम में बैठकर उसे पुरानी बातें याद आती है और इसी के साथ मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। माइकल के स्कूल में एक लड़की थी सोफी, वो उसे पसंद करती थी बट माइकल उसे इग्नोर करता था। सेम एज के गर्ल्स को छोड़कर उसे हैना पसंद थी। फिर एक दिन हैना का प्रमोशन हो जाता है, उसे ऑफिस जॉब मिलता है पर किसी कारण से हैना खुश नहीं थी। माइकल के बर्थडे के दिन वो उसके ऊपर चिढ़ जाती है तो माइकल उसे मना लेता है और आखिरी बार वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर उसे बिना बताए हमेशा के लिए हैना वहाँ से चली जाती है। माइकल उसके घर जाके देखता है कि घर पूरा खाली है, हैना जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद 8 साल बीत जाते हैं। माइकल इज नाउ 23 और वो एक लॉ स्कूल में पढ़ता है। उधर एक सेमिनार होता है, तब स्टूडेंट्स को एक केस ट्रायल देखने के लिए ले जाया जाता है।
ये केस उन औरतों पे चल रहा था जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 300 ज्यूइश औरतों को एक जलते हुए चर्च पे मरने के लिए छोड़ दिया था। इन द ईयर 1944 जर्मनी में डेथ मार्चेस हुए थे, तब ज्यूइश कैदियों को फोर्सफुली मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता था, फिर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था जहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ये औरतें उस डेथ मार्च में गार्ड का काम कर रही थी और उनमें हैना भी मौजूद थी। हैना को कोर्ट रूम में देखकर माइकल शॉक्ड हो जाता है। वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा था, बट आज हैना को देखकर उसे फिर से पुरानी बातें याद आती है। इस केस की मेन विटनेस है इलाना मैथर, अ यंग ज्यूइश लेडी। वो उसके मेमोयर में अपने और अपनी माँ के बारे में लिखी है। ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन कैंप से जिंदा बाहर निकली थी। वो हैना और बाकी के औरतों को आइडेंटिफाई करती है। वो ये भी कहती है, हैना रैंडमली किसी एक पर्सन को चूज करती थी जो उसे बुक पढ़ के सुनाती थी। जब हैना को पूछा जाता है तब वो एडमिट करती है कि वो लोग रैंडमली 10 लोगों को चूज करते थे जिन्हें बाद में मार दिया जाता था ताकि खाली जगह हमेशा बना रहे जहाँ नए कैदी आ सके। हैना हमेशा कमज़ोर लड़कियों को सिलेक्ट करती थी। वो उन्हें बुक्स पढ़ के सुनाने कहती थी, फिर बाद में उन्हें भी मार दिया जाता था। वो ये भी कहती है, चर्च में उन 300 ज्यूइश महिला की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसे एक्सीडेंट बना के जो रिपोर्ट लिखा गया है वो हैना ने नहीं लिखी है, किसी और ने उसकी साइन नकल की है। पर हैना के साथ के दूसरी औरतें उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, उस रात इंचार्ज हैना थी, उसने जानबूझ के चर्च का गेट ओपन नहीं किया ताकि कोई भाग ना पाए, सिर्फ इलाना और उसकी माँ भाग पाई। इस इंसिडेंट की झूठी रिपोर्ट हैना ने ही लिखी थी। फिर जब हैना को हैंडराइटिंग सैंपल देने के लिए कहा जाता है तो वो मना कर देती है। सडनली वो सारे गुना कबूल कर लेती है। इस टाइम माइकल को रियलाइज़ होता है कि हैना अनपढ़ है और ये बात वो सबसे छुपाती है, इसीलिए वो खुद बुक्स नहीं पढ़ती थी और उस दिन रेस्टोरेंट में वो खुद से ऑर्डर नहीं दे पाई थी। जब हैना को प्रमोशन मिला था तब उसे ऑफिस जॉब मिला था। वो समझ चुकी थी कि अब सबको पता चल जाएगा कि वो अनपढ़ है, इसलिए उसने वो जॉब छोड़ दी थी और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एज अ गार्ड ज्वाइन की थी। माइकल समझ जाता है कि ये सारी औरतें मिलके हैना को फंसा रही है। वो अपने प्रोफेसर से मदद मांगता है पर वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हैना ने खुद ही गुनाह कबूल कर ली है और वो सबसे छुपा रही है कि वो अनपढ़ है। अब बस एक ही रास्ता है, नेक्स्ट ईयरिंग में हैना को बताना होगा कि वो अनपढ़ है। माइकल को लगता है कि वो हैना को कन्विंस कर पाएगा, इसलिए उससे मिलने वो जेल में जाता है, पर उसे मिले बिना ही वो चला आता है। वो चाहता तो हैना को बचा सकता था, पर हैना ने जो दर्द उसे दिया था वही दर्द वो हैना को भी देना चाहता है और उन ज्यूइश औरत की मौत के जिम्मेदार थोड़ा बहुत वो हैना को भी मानता है। अगली हियरिंग में हैना को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और बाकी औरतों को सिर्फ 4 साल और 3 महीने की सज़ा मिलती है। इसके बाद माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। वो शादी करता है, उसकी एक बेटी भी होती है जूलिया, लेकिन वो कभी अपनी वाइफ से इमोशनली अटैच नहीं हो पाया था। वो अभी भी हैना से ही प्यार करता है, इसलिए उसका डिवोर्स हो जाता है। वो अपनी बेटी से भी दूर हो जाता है। एक दिन उसे वही पुरानी बुक्स मिलती है जो वो हैना को पढ़ के सुनाया करता था। वो उन बुक्स को पढ़कर रिकॉर्ड करता है और उन रिकॉर्डिंग्स को हैना को भेजता है। हैना उन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर और जेल के लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर खुद से ही पढ़ना और लिखना सीखती है। कुछ दिनों बाद वो माइकल को लेटर लिखना स्टार्ट करती है, पर माइकल उसका रिप्लाई नहीं देता। जेल में हैना को 20 साल हो चुके हैं, फाइनली उसे छोड़ा जा रहा है। जेल की वार्डन माइकल से मदद मांगती है हैना के लिए। हैना का कोई रिश्तेदार और घर ना होने के कारण उन्हें माइकल को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। माइकल हैना के लिए एक जॉब और एक घर ढूंढ देता है। दिन जेल से छूटने के ठीक एक हफ्ते पहले वो उससे मिलने जाता है। वो हैना से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है और फॉर्मल बिहेव करता है। हैना कहती है, बिफोर द ट्रायल वो कभी सोचती नहीं थी एज अ गार्ड उसने क्या गलती की थी, पर अब वो उसके अलावा और कुछ सोच नहीं पा रही है। उसे अब गिल्ट फील होने लगा है। जिस दिन वो रिहा होने वाली थी उस दिन माइकल जाता है उसे रिसीव करने, पर वो जाके देखता है हैना ने सुइसाइड कर ली है। वो माइकल के लिए एक लेटर और एक टी टिन छोड़ के जाती है। उस टी टिन में कुछ पैसे थे। ये पैसे हैना की पूरी लाइफ की सेविंग्स है। उसकी आखिरी ख्वाहिश है ये पैसे उन ज्यूइश कैदियों में से किसी एक को मिले और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो माइकल को देती है। वो न्यूयॉर्क जाता है इलाना से मिलने। वो उसे उसके और हैना के पास्ट रिलेशन के बारे में सब कुछ बताता है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। वो हैना के अनपढ़ होने के बारे में और उसके लास्ट विश के बारे में भी इलाना को बताता है, बट इलाना ये पैसे लेने से मना कर देती है। तब माइकल कहता है वो ये पैसे किसी ज्यूइश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देगा
जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों की पढ़ाई लिखाई में मदद करता हो। इलाना भी इस पे एग्री करती है। वो सिर्फ उस टीन को अपने पास रखती है क्योंकि वैसा ही एक टीन उसके पास था जो उस कैंप में उससे छीन लिया गया था। इन द प्रेजेंट डे ऑफ 1995, माइकल अपनी बेटी जूलिया से मिलता है। रिसेंटली वो पेरिस से वापस आई है एंड शी इज़ नाउ 21 ईयर्स ओल्ड। वो जूलिया को उस चर्च पे ले जाता है जहाँ वो और हैना 40 ईयर्स पहले साइकिल ट्रिप के दौरान आए थे। उधर हैना की कब्र है। उसके पास जाके माइकल उसके और हैना के रिलेशन के बारे में जूलिया को बताने लगता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।